मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नर्सिंग और आईटीआई कौशल कॉलेज और कल्याण गुरुकुल के 500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। कल्याण विभाग झारखंड सरकार की विशेष प्रायोजन वाहिनी यानी एसपीवी के रूप में कार्य कर रहे प्रेझा फाउंडेशन द्वारा आईटीआई कौशल कॉलेज नगरा टोली में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं आईटीआई कौशल कॉलेज के अंतर्गत कुलिनरी विभाग की छात्राओं द्वारा संचालित सेवा कैफे का भी उद्घाटन किया। मौके पर अल्पसंख्यक और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव, एसएसपी झारखंड सरकार के कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत स्तर पर भी दवा की दुकानें खुलेंगी ताकि लोगों को दवा के लिए दूर दराज के इलाकों में न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। और यही मेरा फोकस रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे गति दिया जाए और हमारे नौजवानों को कौन सा ऐसा हुनर दिया जाए जिससे वो काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपना रोजगार कर सके। तो हम लोगों ने अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों से हमारे यहां आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे वर्तमान बूढ़े बुजुर्ग सभी लोगों के लिए क्या कार्य योजना होना चाहिए वो हमने तैयार करना शुरू किया। बहुत खुशी हुआ क्योंकि मतलब इससे जो नियुक्ति पत्र मिला तो मतलब हम लोग को बाहर जाने का मौका मिल रहा है और नया नया चीज़ सीखने को मिल रहा है और नया एक्सपीरियंस भी मिलता है बाहर जाके, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस मिला है और अच्छा लगा। ये मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। और स्टेट रैंक प्लेसमेंट के लिए क्लॉड 9 हॉस्पिटल में मुंबई में। संध्या कुमारी, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि फर्स्ट टाइम उनके हाथों से मुझे ये उनके हाथों द्वारा दिया गया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा भी लगा, उनसे पहली बार मुलाकात हुई है, उनसे बात भी हुई तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा बहुत खुशी हमको मिला। और मेरे पीछे और ही स्टूडेंट है, वो लोग को भी मेरे जैसा वो लोग को सिखाना है और आगे बढ़ाना है।